माइनर क्रिकेट लीग, जी हाँ, जिसका काफी टाइम से काफी ज्यादा हम सब सुन रहे थे कि ऐसी कोई लीग आ रही है जो कि यूएसए होल्ड करा रहा है कहीं ना कहीं, बिल्कुल और माइनर क्रिकेट लीग, और आज से आखिरकार 31 जुलाई से शुरू हो रही है और आज भी काफी सारे मैचेस इसके होने हैं। लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माइनर क्रिकेट लीग है क्या, और आखिर इससे यूएसए क्रिकेट को किस तरह से प्रॉफिट होता हुआ हम देख रहे हैं, और इससे इनको क्या फायदा होने वाला है इस माइनर क्रिकेट लीग को कराने से, क्योंकि सिर्फ ये लीग नहीं है, इसके पीछे काफी कुछ चीजें जुड़ी हुई है जो कि आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये सीरीज शुरू कराई गई है यूएसए की तरफ से। बिल्कुल। देखिए, ये जो माइनर लीग है ये बेसबॉल से लिया गया है। यूएसए की जो बेसबॉल है वो काफी बड़ी हिट है, सब जानते हैं, जी हाँ वहां से माइनर लीग ली गई। तो सबसे पहले बिल्कुल ये चीज है जो क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके बाद आखिर माइनर लीग क्रिकेट जो शुरू हो रहा है, जी अब आज से शुरू हो रहा है, तो ये वीकेंड्स पे खेला जाएगा। पहली बिल्कुल बात, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये है, वीकेंड्स पे होगा, यानी कि सैटरडे संडे को ये मैचेस होंगे। आपके तकरीबन 8 से 9 मैचेस एक एक दिन में, और फिर अगले दिन कुछ कम मैच होंगे। सैटरडे को ज्यादा होंगे, संडे को कम होंगे। जी हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ 218 मैचेस खेले जाएंगे अक्टूबर तक। जी हाँ, हर वीकेंड पे इतने सारे मैचेस होंगे, वीकेंड टू वीकेंड, 31 जुलाई से लेके 3 अक्टूबर तक। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इतनी सारी अपडेट्स इससे रिलेटेड हैं, काफी लंबा ट्रमर चलने बहुत वाला है। लंबा, 31 जुलाई से अक्टूबर तक, यानी आप कहें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 2.5 महीने के करीब ये चलने वाला मैचेस, तो 218 है, काफी है। और जहां तक बात है टीम्स की, 27 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। जी हाँ, 27 टीम्स में पार्टिसिपेट करेंगी, और उनको बांटा जाएगा 4 रीजन्स में। जी हाँ, 4 अलग अलग रीजन्स में ये मैचेस बांटे जाएंगे। उसके बाद सारे रीजन्स के बीच में सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फिर फाइनल होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जी हाँ, कि इसकी आखिर जो राशि है, इनामी राशि आप जिसे कह सकते हैं, विनिंग प्राइस इसकी क्या है, आइए वो आपको बताते हैं। बिल्कुल, इसकी विनिंग प्राइस $2,50,000। जी हाँ, बहुत बड़ी प्राइस है। यूएसए की अब तक की क्रिकेट की सबसे बड़ी प्राइस ये है, ऑब्वियसली सबसे बड़ी लीग है, बिल्कुल प्राइस भी उस हिसाब से। जी हाँ, इसको आप कमर्शियली कहें, कॉर्पोरेट की तरह टोयोटा वाले कहें, जी हाँ टोयोटा वाले इसमें इन्वॉल्व है, तो काफी ज्यादा इसमें पैसे की तो कोई चिंता होने वाली नहीं है, फाइनेंशियली खास करके। और क्रिकेट का जो लेवल है वो देखना होगा किस तरीके का होगा, इंपॉर्टेंट जरूर है कि देखना होगा कि किस तरह का होने वाला है क्रिकेट की क्वालिटी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्वालिटी यहाँ जबरदस्त देखने को मिलेगी। 100 से ऊपर कैमरे लग रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि हम जानते हैं बिल्कुल पैसे की कोई पहले ही कमी कहा, नहीं है, फाइनेंस की दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है कि 100 से ऊपर कैमरे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि लगने वाले कमेंट्री हैं, पैनल हर एंगल से, बिल्कुल कमेंट्री पैनल हर एंगल से आपको व्यू मिलेगा जो कि एसोसिएट में देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी एक लीग है और काफी बड़ा बेंचमार्क यूएस क्रिकेट में सेट हो सकता है। चलिए, तो बात हो गई कि इसका इस लीग आखिर है क्या, अब आपको ये बताते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जी हाँ, बहुत लोग सोचेंगे कि चलो एक लीग हो रहा है तो हमारे यहाँ भी होता है ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत क्रूशियल इम्पोर्टेंस है। आखिर ये किस तरह से यूएसए में क्रिकेट को बढ़ावा देने में हेल्प करेगा, आइए जानते हैं। मेजर क्रिकेट लीग के जो हेड, जो मैनेजर हैं, जो चीफ हेड हैं, उनकी तरफ से ये पूरी बयान आया और उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये माइनर क्रिकेट लीग जो है ये किस तरह से काम करेगा यूएसए की क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल, देखिए जे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ पे वेन्यूज आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, क्वालिटी वेन्यूज मिलेंगे। जब आप इतने सारे मैचेस एक जगह खेलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमारे पास बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट पिचेस, बेस्ट ग्राउंड कहाँ पे है। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए, इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा, जैसे मान लीजिए आप 10 वेन्यूज में मेजर माइनर क्रिकेट लीग हो रहा है, अब उसमें से अगर आप लगातार खेले तो आपको पता चला इन 5 में जबरदस्त क्वालिटी पिच देखी गई है, तो यानी ये कंफर्म हो गया कि इस 5 में इंटरनेशनल क्रिकेट कराने लायक है, स्टेडियम हमारे रेडी हो गए, इन 5 पे भी काम करना बाकी है, वो उस लैक ऑफ वेन्यूज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसी के साथ यहाँ दूसरा पॉइंट ये है कि सीनियर और जो यूथ प्लेयर्स है जो यूएसए की टीम में है, उससे उनकी हम बात कर रहे हैं, वो और जो आने वाला कल है, यानी कि जो लोकल बॉडीज के जो है, बिल्कुल लोकल बॉडीज में जो अभी खेल रहे हैं, यूथ प्लेयर्स हैं, वो एक साथ माइनर लीग क्रिकेट में जब खेलेंगे तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा उनका, जो कि हम सब जानते हैं लीग्स में खेलते हुए प्लेयर कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं सीनियर्स के साथ, तो वो यहाँ देखने को मिलने वाला। जी हाँ, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। आगे भी आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइनर क्रिकेट लीग बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
एक चीज और यहाँ पे इंक्लूड की गई है सर की तरफ से कि जहां तक बात है छोटे शहरों में और गांवों में, वहां पर इस तरह के स्पोर्ट्स को अगर इस तरह से कोई लीग्स होती है तो उसमें बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। वो क्यों? क्योंकि वो इससे कनेक्टेड फील कर सकते हैं, क्योंकि ये इस जो लीग है इसको सिटीज की तरह तौर पर बांटा गया है। जैसे कि हम आईपीएल में देखते हैं कि राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स तो सिटी के बेस्ड है, तो लोग और जोर शोर से इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि अरे हमारे शहर का लीग है, हमारे शहर की टीम है, वहां प्लेयर भले ना हो उस टीम से स्टेट से लेकिन फिर भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफी जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकते हैं। और जहां तक बात है कनेक्शन की, तो वो लोकल बॉडीज में जो पब्लिक है, जो वहाँ के फैंस है, वो लोग सोचेंगे कि इस तरह क्रिकेट हो रही है, इससे उनका अगर प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा निकलता है, टीम का परफॉर्मेंस अच्छा निकलता है, तो वो कनेक्शन फील करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे कि हाँ चलिए हमें भी इस स्पोर्ट्स में जाना चाहिए और हमें भी अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए इस स्पोर्ट्स में योगदान देना चाहिए यूएसए की तरफ से, जो कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल रहने वाला है। क्योंकि यूएसए क्रिकेट में अगर यूएसए के जो जो रहने वाले लोग हैं, यूएसए जो बेस्ड लोग हैं, वो लोग अगर एक बार दिलचस्पी देने लगे क्रिकेट में, तो फिर लॉन्ग वे टू गो है, यूएसए को बहुत जल्दी आप तरक्की का रास्ता चढ़ते हुए नजर आएंगे, और ये माइनर क्रिकेट लीग उसमें बहुत बड़ा काम कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आएगा। जब भी कोई, एक चीज और है, जब भी कोई लीग शुरू होती है किसी भी देश में शुरू होती है, सबसे पहले उस लीग का मजाक उड़ता है, ये याद रखिएगा। ऐसे बहुत लोग होंगे जो कहेंगे नहीं फ्लॉप हो जाएगा, मजाक उड़ता है, ये उड़ता है, वो उड़ता है, लेकिन जब वो लीग चरम अच्छे पोजीशन में पहुंच जाती है, वही लोग फिर कहते हैं यार हमें भी ड्राफ्ट में मौका मिल जाए। चलिए बिल्कुल सही, और इससे डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत फर्क पड़ेगा। यूएसए का जो अभी यूएस का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इतना अच्छा नहीं है, जी हाँ, ये क्वालिटी अभी नहीं है, लेकिन जब वहां पे आप प्लेयर्स देखेंगे, आपके जब दूसरे लोग आएंगे, तो जाहिर सर आपको फंडिंग भी होगी, ऑब्वियसली होगी, और इससे डोमेस्टिक क्रिकेट जो जाहिर सर डोमेस्टिक मैचेस में फंडिंग के लिए भी डोमेस्टिक में खर्च किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो यंग टैलेंट्स हैं वो लोग और बेहतर तरीके से निखरेंगे माइनर क्रिकेट लीग के जरिए, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रांग करने में कहीं ना कहीं काम आएगा, क्योंकि ये जो सिटीज के लेवल के जो ये मैचेस हो रहे हैं, लीग हो रहे हैं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा योगदान देने लायक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की गई है सर की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं ये सहमत भी है, क्योंकि इस तरह की लीग्स काफी इंपॉर्टेंट है, जो यंग टैलेंट्स हैं उनको निकालने के लिए काफी काम आती है, और डोमेस्टिक को स्ट्रांग। एक चीज ही मेरे को सही लगा, ये बहुत लीग्स मैंने देखे हैं वहां पे ये कोई बोला नहीं जाता, फिर इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उन्होंने ये कह दिया, ये जरूर इसमें इंक्लूड किया है कि इससे डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रांग करने का एक मौका मिलेगा, जो कि जिसके जो हमारी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर में से एक है। ये कोई नहीं कहता है, मैंने बहुत लीग जितने भी ये देशों में हुए हैं, चाहे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी देशों में लीग्स होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए वो लीग नहीं खेले जाते हैं, सिर्फ यंग टैलेंट निकल के आ गए हो गया, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट जो स्ट्रांग करना वो कहीं नजर नहीं आता। इसलिए जब भी किसी बड़े टीम से मैच होते हैं, पांच पांच रन के अंदर ढेर हो जाती है टीमें, चाहे एसोसिएट की टीम की हम बात कर लें, चाहे फिर जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस भी हो, जो उनका आने वाला डोमेस्टिक है उसकी बात करें। चलिए, एट द एंड अगर 10 में से आपको इस नंबर देने हो, माइनर क्रिकेट लीग कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है यूएसए क्रिकेट के लिए, कितने नंबर है? बिल्कुल, मैं इससे खुश नहीं हूं ऐसे भी, मैं लीग्स मुझे पैसे ही पसंद नहीं है ज्यादा, मैं इसको 5 से 6 नंबर दूंगा, बिल्कुल मैं इतना ही दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लीग से आप इतनी जल्दी, मुझे मालूम है कि आजकल लीग चल रहा है तो आप लीग की तरफ ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, जहां बेनिफिट दिखेगा आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर मेरी राय जानेंगे तो मैं इससे खुश नहीं हूँ, वैसे भी लीग्स की बात है तो बिल्कुल। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं लीग्स में यहाँ पे राय अलग है अयान की, कि लीग्स में यहाँ से देखना पड़ेगा कितनी हेल्प मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम आपसे पहले भी कहते हैं कि लीग्स जो होते हैं वो पूरी तरह से मनी बेस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए होते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इससे यूएसए कितना प्रॉफिट ले पाता है क्रिकेट में, वो देखने वाली बात होगी कहीं ना कहीं, लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस की सख्त जरूरत है, प्लेयर्स की भी सख्त जरूरत है यूएसए को, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में। चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी उसमें खेलेंगे। ये मैचेस आप कहाँ देख सकते हैं, किस किस टीम्स के मैचेस हैं, और क्या आज के मैचेस में क्या कौन कौन से बड़े प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो खेलने वाले हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे इससे रिलेटेड, अगर आपको इसके लीग में इंटरेस्ट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।